तो हेलो स्टूडेंट, तो तुमने अभी ये सीखा जो ज़रूरत पड़ने पर हम इसको और ये आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज कर सकते हैं, और ये इसका प्रूफ था। ठीक है, तो अगला इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको प्रूफ करने की कोशिश करना, ये भी प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। ठीक है, तो प्रूव डैट a raised to the power under root log b having base a equals to b raised to the power under root log a having base b। ठीक है, इसे प्रूफ करना है। तो अब देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, a raised to the power log b having base a। अब तुम्हें मालूम है अंडर रूट एक्स को ज़रूरत पड़ने पर तुम एक्स बाय रूट एक्स लिख सकते हो, और तुम्हें ये भी मालूम है ए रेज टू द पावर एम है टू द पावर एन, तो इसे ए एम इंटू एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस लॉजिक से यहाँ पर लिखा लॉग बी हैविंग बेस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट लॉग बी हैविंग बेस ए, इसे हम ए टू द पावर लॉग बी हैविंग बेस ए इंटू वन बाय लॉग बी हैविंग बेस ए लिख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी वाइज देखो, ये और ये सेम है, तो सीधे बी कैरी हो जाएगा, तो ये बी टू द पावर वन बाय अंडर रूट लॉग बी हैविंग बेस ए लिखाएगा। अब अगर तुम इसको इंटरचेंज करना चाहो, यानी इस रिजल्ट को, ऐसा लिख सकते हो वन बाय रूट एक्स को ज़रूरत पड़ने पर तुम अंडर रूट वन बाय एक्स लिख सकते हो, तो ज़रूरत पड़ने पर इसे बी रेज टू द पावर वन अपॉन लॉग बी हैविंग बेस ए लिख सकते हैं। इसको इंटरचेंज करो, ये ऊपर चला जाएगा, तो बी रेज टू द पावर अंडर रूट लॉग ए हैविंग बेस बी लिखाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। तो ये खुद में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टी के लिस्ट में डालोगे और याद रखोगे। ये सीधा सीधा है a log a b, तो सीधे कैरी हो जाएगा, तो इसको प्रॉपर्टी नंबर क्या था ये 11, तो इसको प्रॉपर्टी 12 लिख दो। तो ये समझ में आ गया, इसका मतलब ये और ये सेम इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत बार प्रॉपर्टी याद रहने से क्या होता है, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो 5 रेज टू द पावर अंडर रूट लॉग 7 हैविंग बेस 5 माइनस 7 अंडर रूट लॉग हैविंग बेस 7 और यहाँ पर 5। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, जैसे इसको कहता है इवेलुएट, तो नॉर्मल तरीके से अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो जैसे ही तुम्हें ध्यान में आया जो अरे ये तो ए टू द पावर अंडर रूट लॉग ए बी और ये वाला पार्ट बी टू द पावर अंडर रूट ए हैविंग बेस बी, तो ये दोनों सेम है, ये दोनों इक्विवेलेंट इन्फॉर्मेशन है, ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब दिस एग्जैक्टली इक्वल्स टू दिस, तो सीधे ये नलीफाई कर देगा, आंसर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी 12 था। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हालांकि ये मॉडुलस इक्वेशन का पार्ट है, आगे डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल लिख लो प्रॉपर्टी या लाइन ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो इफ लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई,
एंड बेस सेम होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए। तो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हुआ, अगर ये लॉगरिथम इस लॉगरिथम के इक्वल है और बेस सेम है तो इस बात की गारंटी है कि उसका आर्ग्यूमेंट भी सेम होगा। बट मेक श्योर एक्स शुड ग्रेटर देन जीरो एंड वाई शुड ग्रेटर देन जीरो, है ना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इफ log having base 3 2x minus 1 equals to log having base 3 x plus 2, है ना, ऐसा कह दिया। और कहा find x, क्या बोला, find x। तो जैसे ही देखा बेस सेम है, ये लॉग इस लॉग के इक्वल है, तो तुम डायरेक्ट इसके आर्ग्यूमेंट को इक्वेट कर सकते हो, तुम सीधे इसके आर्ग्यूमेंट को इक्वेट कर सकते हो। तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू x प्लस 2, दिस गिव्स यू x इक्वल्स टू 3। बट अब एक बात अब ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे करते क्या हैं, x का वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। तो लेकिन लॉगरिथम में हमेशा ध्यान में रखना, जो क्या ये x इक्वल्स टू 3 इन लॉग के डोमेन में है कि नहीं। तो ये लॉग का डोमेन क्या होता है बेसिकली, मतलब जहाँ पर लॉग डिफाइंड है, मतलब कहीं इस वैल्यू की वजह से लॉग अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है। और हमने बता रखा है लॉग अनडिफाइंड कब होता है, जब आर्ग्यूमेंट निगेटिव हो जाए, बेस ग्रेटर देन जीरो ना हो, ठीक है, बेस इक्वल्स टू 1 हो जाए, इन सब सिचुएशन में लॉग अनडिफाइंड है। तो x इक्वल्स टू 3 है, तो अब एक बार चेक कर लो, मतलब चेक करने का मतलब क्या है, जो 2x माइनस 1 इस x इक्वल्स टू 3 पे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड x प्लस 2 भी इस वैल्यू पे पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तभी ये एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाता, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाता, ठीक है। मान लो सपोज x का वैल्यू माइनस 10 आ जाता, माइनस 10 होने पर 2x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाती, माइनस 21, और log माइनस 21 तो नॉट डिफाइंड होता है। तो मान लो अगर ऐसा सिनारियो बनता जब x का ये वैल्यू आता और इस वैल्यू को हम बिना चेक किए हुए आंसर डिक्लेयर कर देते तो गलत हो जाता ना। और माइनस 10 रख के देखा तो देखा आर्ग्यूमेंट उसका निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये रिजेक्टेड है, ये वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक्स का वैल्यू पूछ रहा हो तो जो वैल्यू आया देख लेना वो वैल्यू उसके डोमेन में है कि नहीं, लॉगरिथम के डोमेन में है कि नहीं, ठीक है। तो अब आओ, ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो अब। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27 हैविंग बेस 81, log 100 हैविंग बेस 10, log base 1 by 3 9 root 3, log having base sine 30 degree cos of 60 degree, log having base 2 minus root 3 2 plus root 3, log of tan 1 degree into log of tan 2 degree, log of tan 2 degree into log of tan 3 degree, that goes up to log of tan 89 degree,
2 raised to the power minus log having base 1 by 2, 7. देखो ये सभी ज़ीरो लेवल फंडामेंटल एटमोस्ट बेबी लेवल क्वेश्चन है, तो अगर प्रॉपर्टी समझ गए हो तो तुम लोग इसको पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करो और फिर जो रिजल्ट्स आया उसको यहाँ से मैच करो, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो तुम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो शुरू के 10-20 क्वेश्चंस में उसको साइड में लिखते जाना, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस। इससे होगा क्या, जो वो प्रॉपर्टी अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो पहले फिलहाल इन क्वेश्चंस को देखते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जो log 27 having base 81, तो लेट log 27 having base 81 दिस इक्वल्स टू x, तो 27 इक्वल्स टू 81 raised to the power x, तो इसे हम 3 क्यूब और इसे 3 to the power 4 लिख सकते हैं, ये सेम है, तो 3 इक्वल्स टू कितना आया 4x, सो x इक्वल्स टू 3/4। अगर तुम इस तरह से नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली तुम ऐसा भी कर सकते थे, log 27 यहाँ 81, तो मैंने 81 को लिख दिया 3 raised to the power 4 और यहाँ लिखा 3 raised to the power 3। अब मैंने यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज किया, log a टू द पावर p x टू द पावर q इक्वल्स टू q by p log x having base a। तो देखो मैथ्स में ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, एक क्वेश्चन को तुम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स सही होने चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर ये क्या हो गया, 3/4 log 3 having base 3, ये और ये सेम है, तो आंसर क्या निकल के आया 3/4, ओके। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, log 100 having base 10, ये तो 10 नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं दिया तो base 10 ही कैरी करना है, हालांकि JEE में base हमेशा स्पेसिफाइड रहेगा, तो 2 साइड में आ गया और ये लिख दिया log 10 having base 10, ये 1 हो गया। यहाँ मैंने कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया, log having base x to the power n, तो ये n log x having base a, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब आओ थर्ड वन, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, log 1/3 9 root 3। तो अगेन 2 तरीका है, या तो इस तरह से कैरी करो, लेट दिस इक्वल्स टू एक्स, सो 9 root 3 इक्वल्स टू 1/3 raised to the power x। 9 क्या हो गया, 3 square, ये 1/3, ये 3 raised to the power -1। तो देखो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, 3 to the power 7/3, 3 raised to the power -x, ये और ये सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो गया, सो x इक्वल्स टू -7/3। नहीं तो तुम इसे ऐसा लिख सकते थे, log बेस 1/3, 9 root 3 क्या है तुम्हारा, 3 raised to the power 7/3। तो इस 1/3 को 3 to the power -1 लिख सकते हो और इसे 3 to the power 7/3 लिख सकते हो। नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, log a टू द पावर p x टू द पावर q, ये q by p log x having base a लिखाएगा, समझ रहे हो।
तो देखो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, तो 7/3 बाय -1 log 3 हैविंग बेस 3 ये 1 हो गया, सिंप्लीफाई करने पे ये -7/3 आ गया। ठीक है, अगला देखो, अब यहाँ क्या बोला है, log साइन ऑफ 30° कॉस ऑफ 60°। साइन 30° कितना होता है, 1/2 यही होता है ना। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 ये, और ये सेम हो गया, तो आंसर 1। ई पार्ट देखो, लॉग बेस 2 माइनस √3, 2 + √3, बेस कहीं नेगेटिव तो नहीं है, नहीं, 2 - √3 ग्रेटर देन 0 है, और 2 - √3 1 नहीं है, मतलब लॉग डिफाइंड है। अनडिफाइंड रहता तब तो यहीं पे छोड़ देते, बट डिफाइंड है। तो अब एक बार तुम ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, 2 + √3 इंटू 2 - √3 1 है, इसका मतलब 2 - √3 को 1/2 + √3 लिख सकते हो। तो मैंने इसको लिख दिया log 1/2 + √3, और यहाँ 2 + √3। देखो मैंने प्रॉपर्टी बता रखा है, log a और यहाँ पर उसका रेसिप्रोकल होती है, वैल्यू -1 होता है, ये -1 आ जाएगा, इसका आंसर -1 आना चाहिए दोनों का। ठीक है यहाँ तक। f देखो, log 10 1° log ऑफ 10 2° दैट गोज अप टू log ऑफ 10 85°। इसका आंसर सीधे 0 हो जाएगा, ओरली बिना कुछ किए हुए, बिना पेन पेपर के आंसर 0 हो जाएगा। कैसे, तो सोचो तुम, इन सब के बीच में एक टर्म log 10 45° भी तो आ रहा होगा, log 10 45 कितना होता है, 1, log 10 1° log ऑफ 10 2° और बीच में आ गया log 10 45, log 10 45 इज log 1, कुछ नहीं दिया है तो 85 89, जहां तक भी जा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो log 10 89°। अब तुम्हें मालूम है कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 है, और log एनी डिफाइंड बेस 1 ये 0 हो जाता है, log 1 0 होता है, मैंने प्रॉपर्टी में लिखा है log 1 हैविंग बेस b इज 0, बस बेस शुड बी वेल डिफाइंड, तो सीधे ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाइड विथ रेस्ट टर्म, आंसर 0। ठीक है, अगला देखो, अब 2^ माइनस log 7, यहाँ पर बेस हाफ है, ठीक है, तो अब क्या करें, तो यहाँ 2^ माइनस log, इसे हाफ को 2^-1 लिख दिया और 7^1 लिख दिया। ठीक है, 2^-, अब इस वाले प्रॉपर्टी से यहां हम 1/-1 log 7 हैविंग बेस 2 लिखें, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस,
ये 2 to the power log 7 having base 2, और तुम्हें मालूम है ये और ये सेम है तो सीधे 7 कैरी हो जाएगा, तो आंसर 7 आना चाहिए इसका। अगला देखो, 1 by log 2 having base 3 plus 2 by log 4 having base 9 plus 3 by log 8 having base 27। अब एलसीएम लोगे तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो सबसे पहले तो एक काम करो, इन सब को न्यूमिनेटर में ले जाओ बेस चेंजिंग वाले रिजल्ट से, इसको इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 by हो जाएगा, मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तुम्हें मालूम है 1 by log ba को हम log ab लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है ये। यही मैं बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो जो प्रॉपर्टी तुम इस्तेमाल कर रहे हो रफ कॉपी में, मतलब तुम जहाँ सॉल्व कर रहे हो वहाँ लिखो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। ऐसा जब तुम 10-20 बार करोगे ना तो प्रॉपर्टी रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा। तो ये आ गया log 3 having base 2, ये हो गया 2 into log 9 having base 4, यहाँ आया 3 log 8 और यहाँ 27। अब प्रॉब्लम इस बात का, यहाँ जो इन सब का बेस अलग अलग है तो क्या हम बेस एक जैसा बना सकते हैं? तो बेस बनाते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इस 4 को लिख दिया 2 square और 9 को यहाँ पर लिख दिया 3 square। यहाँ इस 8 को मैंने लिख दिया 2 cube, 27 को लिख दिया 3 cube। ये log 3 having base 2 plus 2 into 2 by 2 log 3 having base 2, 3 into 3 by 3 log 3 having base 2, ये क्या हो गया log 3 having base 2, 2 into log 3 having base 2, 3 into log 3 having base 2। ठीक है, अब देखो ये सारा का सारा टर्म सेम है, इसको अगर x ट्रीट करो, x प्लस 2x प्लस 3x, ये 6x हो गया। ये सिंप्लीफाई होकर के 6 टाइम्स ऑफ log 3 हैविंग बेस 2। अब फिलहाल इसी को फॉर्म में छोड़ दो, इसका वैल्यू क्या होगा ये सब अभी आगे बात करेंगे, अभी जो है इसी फॉर्म में तुम्हें आंसर छोड़ देना है। ठीक है, अभी ऐसे भी जेई में इन वैल्यूज वगैरह का जरूरत नहीं पड़ता है, तुम्हें इसी फॉर्म में छोड़ दोगे। हाँ, अगर ये सिंप्लीफाई हो जाता नॉर्मल फार्मूले से, कोई कांस्टेंट वैल्यू निकल आती तब हम उस वैल्यू को लेते, अदरवाइज इसी फॉर्म में छोड़ देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया था मैंने यहाँ पर, तो देखो log a by b प्लस log b by c प्लस log of c by d प्लस log of d upon a। तो कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 है, बेस सबका सेम है तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दे। कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं? log x प्लस log y अगर है तो ये log ऑफ x इंटू y लिखाएगा, तो मैं अब यहाँ ये प्रॉपर्टी यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a by b इंटू b by c इंटू c by d इंटू d by a। देखो ये सभी के सभी कैंसिल हो गए, ये a इस a को कैंसिल करेगा, ये c इसे कैंसिल करेगा, ये बी इसे कैंसिल करेगा, ये डी इसे कैंसिल करेगा, बच गया log 1। कुछ नहीं तो बेस 10, log 1 0, इसका आंसर सीधे 0।
अब अगला देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा रहा था, यहाँ जो वन अपॉन लॉग बी सी हैविंग बेस ए प्लस वन, वन बाय लॉग हैविंग बेस बी सी ए प्लस वन, वन बाय लॉग हैविंग बेस सी ए बी प्लस वन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ, यह लॉग हैविंग बेस ए बी सी, इस वन को लॉग ए हैविंग बेस ए लिख सकते हैं, लॉग हैविंग बेस बी सी ए, इस वन को लॉग बी हैविंग बेस बी लिख सकते हैं, लॉग हैविंग बेस सी ए बी, इस वन को लॉग सी, मतलब देखो यहाँ पर ये वन होता है ना, जो आर्गुमेंट है वही बेस है। तुम बोलोगे हम यहाँ पर एक्स एक्स भी तो ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर ये इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर बेस ए था। तो अब ऐसा करने से ये और ये बेस सेम हो गया, कोई और दूसरा बेस लेते तो हमें ये इस वन को इसमें कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं मिलता। इसलिए बहुत बार बेस जो है सिलेक्शन, वो आजू बाजू के लॉग के बेस को देख करके डिसाइड करते हैं, या क्वेश्चन को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा कौन सा बेस ले ताकि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर बी था, इसलिए इस वन में हमने लॉग बी हैविंग बेस बी लिया, और यहाँ सी था बेस, इसलिए मैंने यहाँ लॉग सी हैविंग बेस सी लिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ तुम्हें वो देखो, तो आया वन बाय लॉग हैविंग बेस ए, प्रॉपर्टी लगाओ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो यहाँ पर बी सी ए वन बाय लॉग हैविंग बेस ई बेस बी सी ए बी, वन अपॉन लॉग हैविंग बेस सी ए बी सी। अब इसको इंटरचेंज करो, तो लॉग हैविंग बेस ए बी सी, जैसे ही इसको इंटरचेंज करोगे न्यूमिनेटर में चला जाएगा, लॉग हैविंग बेस ए बी सी, लॉग हैविंग बेस ए बी सी सी, यहाँ मैंने क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, वन अपॉन लॉग बी ए वाली, ताकि ये और ये इंटरचेंज करोगे तो ये लिखाएगा लॉग ए और यहाँ बी, समझ रहे हो। अब इससे देखो क्या हुआ, जो बेस सबका सेम हो गया, ये सभी सेम बेस हैं, तो अब वापस से प्रॉपर्टी लगाया लॉग एम प्लस एन वाली, तो ये लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। अब ध्यान से देखो, जो आर्गुमेंट है तुम्हारा सिंप्लीफाइड आर्गुमेंट, वही तुम्हारा सिंप्लीफाइड बेस है, ये और ये सेम है, तो आंसर कितना होना चाहिए, वन, ठीक है। और अभी इसमें प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो तुम लोगों को वीडियो पॉज करके पहले अटेम्प्ट क्या करना, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तुम यहाँ पर सॉल्यूशंस देखोगे। तो 3 रेज टू द पावर लॉग 7 हैविंग बेस 2 माइनस 7 रेज टू द पावर लॉग 3 हैविंग बेस 2 प्लस 1 लॉग 2 लॉग 25 हैविंग बेस 5 log of 5 log of 2 log having base 3 log having base 2 5 1 2, ठीक है।
log having base 0.008 plus log having base 3, log having base 2, log having base root 381. ठीक है, इफ लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी। और अब हम साइड में कंडीशंस वगैरह नहीं लिख रहे हैं, ए ग्रेटर देन जीरो, ये लॉग दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो मान लो डिफाइंड है। ठीक है, तो देन प्रूव दैट ए इक्वल्स टू बी, अभी हम लोग लॉग का जीरो लेवल बेबी लेवल क्वेश्चन जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो बेबी लेवल से होगा क्या, तुम्हारा पहले फंडामेंटल्स क्लियर होगा, उसके बाद अगले वीडियो से धीरे धीरे लेवल अपग्रेड करेंगे जीरो से जेई एडवांस लेवल तक। फाइव लॉग 25 अपॉन 24 प्लस 3 लॉग 81/80 दिस इक्वल्स टू लॉग 2, लॉग ऑफ 1 + 2 + 3 इक्वल्स टू लॉग 1 + log 2 + log 3। ठीक है, तो चलो अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर ये तो अब तुम लोग खुद से चमक गया होगा तेरे दिमाग में, इसको इसको इंटरचेंज करोगे तो ये दिखेगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो सीधे इसका आंसर 1, सीधे इसका आंसर 1। अब जब भी मल्टीपल लॉगरिथम हो, लॉग ऑफ लॉग, तो लाइन ऑफ थिंकिंग यहां से शुरू करो, इस लॉग से शुरुआत करो। जब कभी भी मल्टीपल लॉगरिथम है, हमेशा अंदर वाले लॉग से स्टार्ट करो, ये लाइन ऑफ थिंकिंग है, LOT लाइन ऑफ थिंकिंग, इस डायरेक्शन में सोचना है। लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ 10 बार लिखा रहे, शुरुआत अंदर वाले लॉग से करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ, तो इस पर्टिकुलर लॉग में देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, लॉग हैविंग बेस 2, ये तो 25 है, तो प्रॉपर्टी वाइज 25 को 5 स्क्वायर लिख दें, ये 2 इधर आएगा, इधर नहीं आएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो लॉग है, अभी इसको भूल जाओ, प्रॉपर्टी वाइज ये 2 इधर आएगा, ये क्या लिखाएगा, लॉग हैविंग बेस 2, 2 लॉग 5 हैविंग बेस 5, ये लिखाएगा, ये तो 1 होता है, बेस इक्वल्स टू आर्गुमेंट, ये 1 बन गया, तो क्या बना यहाँ पे, लॉग 2 इंटू 1, ये वापस से डाइल्यूट होके, ये डाइल्यूट होके 2 आ गया, तो ये पूरा का पूरा 2 है। तो अब क्वेश्चन फाइनली क्या बचा, लॉग 2 हैविंग बेस 2, तो टोटलिटी में सिंप्लीफाई होकर के इसका आंसर कितना आ गया, 1, तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर 1 आना चाहिए तुम लोगों का। तो आई होप यहाँ तक आ गया होगा आंसर तुम लोगों का। ठीक है, ओके, अब देखो जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग कॉपी कर लेना अपना। अब इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन, चलो अटेम्प्ट करो जल्दी से। तो मैंने क्या बताया अभी, शुरुआत किससे करना है,
तो शुरुआत जो है तुम इस लॉग से करो। तो रफ में लॉग हैविंग बेस टू 512 टू रेस टू द पावर कितना होगा 9। प्रॉपर्टी वाइज 9 इधर आ गया, ये 9 लॉग 2 हैविंग बेस 2। इसका मतलब जैसे ही मैंने इस लॉग को डील किया, ये सिंप्लीफाई होके 9 दिया, तो अगले स्टेप में से हम लॉग 5 लॉग हैविंग बेस 2 लॉग हैविंग बेस 3 और अब ये डाइल्यूट होके क्या दे दिया यहाँ 9। इसके बदले 9 लिख दें। अब इस लॉग को क्रैक करो, लॉग हैविंग बेस 5 लॉग हैविंग बेस 2। अब ये लॉगरिथम क्या देगा तुम्हें, लॉग 9 हैविंग बेस 3। अब 2 देना चाहिए, मैं डायरेक्टली लिख दूं समझ जाओगे। अब तुम्हें मालूम है ये और ये सेम है, तो ये 1 हो जाएगा, ये लॉग 1 हुआ, और तुम्हें मालूम है लॉग 1 इज 0, तो टोटलिटी में इसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, ये आया समझ में। अब आओ अगला, तो जब तक मैं मिटा रहा हूं इसे तब तक तुम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां दो लॉग है, बट अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पर दोनों में देख रहे हो जो बेस अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, बेस अलग अलग दिख रहा है यहां पर, एक का बेस क्या है यहां 0.008। तो देखो अब, तो लॉग 0.008 और यहां आया 5, लॉग हैविंग बेस 3 लॉग हैविंग बेस 2 लॉग 8 हैविंग बेस रूट 3, 8 नहीं 81 ऐसा कुछ है। तो सबसे पहले इस बेस को हम 8/1000 लिख दें, यहाँ पर 3, यहाँ लॉग 2, रूट 3 को मैं यहाँ 3^2 लिख दूँ, 81 को 3^4 लिख दूं। अब ये बेस लॉग ऑफ 1/125 हो गया, यहां कितना आया लॉग 3 लॉग 2। अब ये वाला प्रॉपर्टी लॉग a^PX^Q क्या लिखते हैं, q/p log x having base a, यही लिखते हैं ना। फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी यू कैन राइट 4/2 लॉग 3 हैविंग बेस 3, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया। अब यहाँ पढ़ाओ, इसको मैं 1 यहाँ 5 और यहाँ 5^-3 लिख दूँ चलेगा, ये लॉग 3 यहाँ आया लॉग हैविंग बेस 2, ये सिंप्लीफाई होकर के 8 दे दिया। अब इस प्रॉपर्टी के हेल्प से यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे तुम दिस इज -1/3 लॉग 5 हैविंग बेस 5, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये 2^3 ये सिंप्लीफाई होकर के 3 दे दिया, ये 1 बन गया, ये 1 आ गया, तो ये -1/3 ये 1 आ गया, तो 1 -1/3 और आंसर इज 2/3। इसका आंसर 2/3 आना चाहिए तुम लोगों का। ठीक है, थर्ड वन देखो क्या कर रहा है, थर्ड में तुम्हें दिया हुआ है इफ, थर्ड में क्या दिया हुआ तुम्हें, इफ लॉग ऑफ a+b/2 इफ लॉग ऑफ a+b/2 इक्वल्स टू 1/2 ऑफ लॉग a+log b,
यू हैव टू प्रूफ ए इक्वल्स टू बी होगा, ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है जब ए इक्वल्स टू बी है, तो प्रूफ करो। चलो शुरुआत करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यही है ए प्लस बी बाई टू, राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ हाफ है प्रॉपर्टी से ये लॉग ए बी होगा। अब तुम्हें मालूम है जो एन लॉग एक्स को अगर साइड से कांस्टेंट हटाना है तो ये आर्ग्यूमेंट के पावर में चला जाता है ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ मैंने लगाया लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू लॉग ए बी रेज टू द पावर हाफ, ये क्या हो गया लॉग ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट ए बी। अब अभी अभी मैंने बताया था लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग वाई, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू वाई, इसका मतलब ए प्लस बी बाई टू इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी, यानी दो लॉग सेम है, बेस सेम है तो आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होगा। इट मीन्स ए प्लस बी इक्वल्स टू टू रूट ए बी, ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू जीरो। इसे ए को लिख दिया रूट ए स्क्वायर, बी को लिखा रूट बी स्क्वायर, माइनस टू रूट ए रूट बी, ये आइडेंटिटी दिख रहा है। तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया अंडर रूट ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज रूट ए इक्वल्स टू रूट बी, सो ए इक्वल्स टू बी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ तक क्लियर हो गया, ओके। अब आओ फोर्थ वन, फोर्थ। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन अब क्या कर रहा है तुम्हें, तो फोर्थ तुम्हें कह रहा है प्रूव दैट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज सेवन लॉग ऑफ 16/15 प्लस 5 लॉग ऑफ 25/24 प्लस 3 log of 81/80। तो देखो प्रॉपर्टी लगाने से पहले बेस सेम है, हाँ ऑलरेडी बेस सबका सेम है। अब साइड में जो कांस्टेंट है इसको क्या करें, आर्ग्यूमेंट में शिफ्ट करें, तो ये log 16/15 टू द पावर 7, ये लॉग 25/24 टू द पावर 5, लॉग 81/80 टू द पावर 3। अब यहाँ देखना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तुम खुद सोचो अब 16 टू द पावर 7 कैलकुलेट करने जाओगे तुम्हारी बारात निकल आएगी, बारात निकल आएगी मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा, ऐसे भी तुम लोगों की बारात निकलने में अभी काफ़ी टाइम है, मतलब ओवर लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है। अब 16 टू द पावर 7 का वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, तो क्या करोगे यहाँ ऐसा सिचुएशन जब भी फंसे इसको तुरंत प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो। 16 को 2 टू द पावर 4 लिख दिया, इसे 3/5 लिख दिया, यहाँ 25 है तो यहाँ 5 स्क्वायर लिख दिया, इसे 8/3 लिख दिया, यहाँ 81 है 3/4 लिखा, ये 16/5 हो गया। अब ध्यान से देखो बेस सेम है, न्यूमिनेटर 2/28, 3/7 5/7 log 5/10
2 to the power 15 into 3 raised to the power 5 log 3 raised to the power 12 by 2 to the power 12 into 5 raised to the power 3. बेस सेम है तो log x plus log y plus log z is nothing but log x into y into z. 2 to the power 28 by 3 to the power 7 into 5 to the power 7. 5 to the power 10 by 2 to the power 15 into 3 raised to the power 5. 3 to the power 12 by 2 to the power 12 into 5 to the power 3. तो अब देखो यहाँ पर 2 का एक्सपोनेंट क्लब होके 2 टू द पावर 27 हो जाएगा. 2 टू द पावर 28 बाई 2 टू द पावर 27. 28 माइनस 27 2 टू द पावर 1 बचेगा. मतलब हम ये याद दिलाना चाह रहे हैं जो बचपन में पढ़े हो ना, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n को a टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं. तो ये दोनों क्लब होके ये हो गया 2 टू द पावर 28 बाय 2 टू द पावर 27. यहाँ 5 टू द पावर 10 नीचे में ये दोनों 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 3 5 टू द पावर 10. यहाँ 3 टू द पावर 12 तो नीचे में भी 3 टू द पावर 12. ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, फाइनली log 2 बचा. ठीक है, यहाँ तक तो आ गया समझ में. एंड अगला, अब प्रॉपर्टी से कंफ्यूज मत हो जाना, जो हमने तो मना किया है जो लॉग प्लस में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. तो ये प्रूफ कैसे हो गया लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3? ऐसा हमेशा नहीं होता है. ये परफेक्ट नंबर है, इस कारण से यहाँ ऐसा हो पाया. मतलब उन सब को छोड़ो, सीधे तुम ऐसा समझो लॉग 1 प्लस 2 प्लस 3. लॉग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो. इन सब का सम 6. 6 को दोबारा लिख सकता है 1 इंटू 2 इंटू 3. तो अब देखो ये लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई इंटू जेड, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. तो इसे लिख सकते हैं लॉग 1 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 3. ठीक है, और अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते चलो. जो भी है क्वेश्चन नंबर क्या था, ये 4, 5th देखो. अब नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फॉलोइंग केसेस. If log x having base 2 plus log x having base 4 plus log x having base 16, this equals to 7. Log having base 2x squared equals to 1. Log having base 3, 2 minus of x. Log having base 4x square equals to log x having base 4. X square plus 7 raised to the power log x having base 7 minus 2 equals to 0. X plus 1 raised to the power log having base 10 x plus 1 equals to 100 x plus 1. ठीक है, तो अब इस प्रोफाइल के क्वेश्चन को कैसे क्रैक करते हैं. इस प्रोफाइल के क्वेश्चन में लाइन ऑफ थिंकिंग, प्रॉपर्टी वगैरह लगा के जो भी x आया
जो भी एक्स आया, ठीक है, वो तभी एक्सेप्टेबल होगा, वो तभी एक्सेप्टेबल होगा जब वो क्वेश्चन के किसी भी लॉग को अनडिफाइन ना करे, जब वो क्वेश्चन के किसी भी लॉग को अनडिफाइंड ना करे। अनडिफाइंड समझ रहे हो, पता चला x माइनस फाइव आ गया और माइनस फाइव पे लॉग ही अनडिफाइंड हो गया, तो फिर वो तुम्हारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। मैनिपुलेट करने पे वैल्यू भले आ गया हो बट वो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो अब देखो, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो बेस अलग अलग है तो सबसे पहले साइड में लिख दो, इन सभी में एक सिचुएशन तो क्लियर है, जो x ग्रेटर देन जीरो ही एक्सेप्टेबल होगा। कोई भी x का वैल्यू नेगेटिव किसी भी एक लॉग को अनडिफाइन कर दे तो वो वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो log x हैविंग बेस 2, प्रॉब्लम अब यहाँ क्रिएट कौन कर रहा है, 4। 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर, 16 को मैंने लिख दिया 2 रेज टू द पावर 4। तो अब ये आ गया log x हैविंग बेस 2 प्लस हाफ log x हैविंग बेस 2। अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा रखे हैं a टू द पावर p x टू द पावर q फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, 1/4 log x हैविंग बेस 2। तो अब तुम यहाँ से log x हैविंग बेस 2 कॉमन ले लो, बचा क्या 1 + 1/2 + 1/4, दिस इक्वल्स टू कितना 7। तो log x हैविंग बेस 2 दिस इज नथिंग बट 8, ठीक है। अब तुम इसके आर्ग्यूमेंट में मत मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ तुम लोग कन्फ्यूज मत होना जो हम ऐसे इसको इसे कॉमन कैसे ले लिए। तो तुम ऐसा समझो, अगर मैं इस पूरे को x या अल्फा मान लूँ, अगर मैं इस पूरे को अल्फा मान लूँ तो ये क्या देगा मुझे, दिस प्लस हाफ प्लस 1/4। अब इधर लिखो या इधर लिखो, ये log x हैविंग बेस 2 होगा। सिंप्लीफाई करने पे ये 8 आया, ये कितना आया यहाँ पर 8 + 4 + 2 log x हैविंग बेस 2 दिस इक्वल्स टू 7, ठीक है। कैलकुलेशन आई होप यहाँ तक सही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है, नहीं, ओके। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो गया 14/8 log x हैविंग बेस 2 इक्वल्स टू 7। इसको इधर भेज दो, ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये 1/4, तो 1/4 log x हैविंग बेस 2 इक्वल्स टू 1, इसको इधर भेज दो, तो log x हैविंग बेस 2 इक्वल्स टू 4, सो x इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 4, योर आंसर इज 16, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन, log हैविंग बेस 2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान देना, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 1, x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0,
x equals to plus minus root 2. x equals to plus minus root 2. तो x का वैल्यू plus root 2 भी है और x का वैल्यू minus root 2 भी है. तो माइनस रूट टू रखने से एक्स स्क्वायर को कोई दिक्कत है? नहीं. इसको रूट टू को रखने से कोई दिक्कत है? नहीं. तो ये दोनों एक्सेप्टेबल है यहाँ. लेकिन तुम बोलोगे अगर टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन है, मैंने लिख दिया साइड में टू इंटू लॉग एक्स हैविंग बेस टू, तो लॉग एक्स हैविंग बेस टू इक्वल्स टू वन, x equals to 1/2, तो x equals to 2 to the power half. फिर तो यहाँ root 2 ही आया ना. ठीक है, तो यहाँ पर plus minus root 2 आ रहा है और यहाँ ऐसा कर दिया मैंने तो root 2 आ रहा है. problem कहाँ पे फंस रहा है? ठीक है, तो ये काफ़ी interesting है, ध्यान रखना है. आप ऐसे तो हम लोग रफली लिख देते हैं जो log of x square having base a is 2 log x, बट ये एक्चुअल में जेन्युइनली जो है सही तभी होगा जब हम मॉड लगाओगे. ठीक है, अदरवाइज तुम खुद सोचो. जो हम प्रॉपर्टी वाइज ये कर रहे हैं जो log a x square है और log 2 log x having base a है, तो ये तो all x except 0 के लिए वैलिड है. कोई भी माइनस भी रखोगे तो आर्ग्यूमेंट प्लस हो जाएगा. बट क्या यहाँ पर हम माइनस आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं? नहीं. ये वैलिड है ग्रेटर देन 0 के लिए, ये वैलिड है ऑल रियल एक्सेप्ट 0 के लिए. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ऐसा दिया है और तुम इसमें कन्वर्ट कर रहे हो तो यहाँ मॉड लगा देना, यहाँ पर मॉड लगा देना. ये काफ़ी ट्रिकी पॉइंट है. मॉड नहीं लगा रहे हो तो देख रहे हो इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा. वही अगर अब तुम यहाँ मॉड लगा देते तो अब ये क्या हो जाता, मॉड एक्स इक्वल्स टू रूट टू, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टू. आंसर मैच हो गया. अब तो इसके पहले वाले में क्योंकि तुमने मॉड यहाँ नहीं लगाया था इस कारण से सिंगल वैल्यू दिख रहा था. इस बात का ध्यान रखना जो अगर यहाँ पर पावर इवन है ना, तो ये जब भी इधर जाएगा तो यहाँ मॉड लगा देना. ठीक है, अब और थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्या कह रहा है, लॉग एक्स हैविंग बेस थ्री इक्वल्स टू, तो अब तुम तो ऐसे साइड में लिख लिया करो भाई, लेफ्ट हैंड साइड का लॉग एक्सेप्टेबल होने के लिए एक्स ग्रेटर देन जीरो रहा तभी ये लॉग चल पाएगा. राइट हैंड साइड का लॉग तभी चल पाएगा जब ये ग्रेटर देन जीरो हो, मतलब टू ग्रेटर देन एक्स हो, एक्स लेस देन टू हो. इससे ये तो पता चल गया जो एक्स का जो भी वैल्यू आएगा वो जीरो से बड़ा और टू से छोटा आना चाहिए, तो वैलिड है, अदरवाइज इनवैलिड है. तो अब यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग एक्स हैविंग बेस बी इक्वल्स टू लॉग वाई हैविंग बेस बी. सेम बेस है तो आर्ग्यूमेंट इक्वल होगा. इसका मतलब मैंने अगले स्टेप में लिखा x इक्वल्स टू टू माइनस एक्स, टू एक्स इक्वल्स टू टू, एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स इक्वल्स टू वन. वन से इस लॉग को कोई आपत्ति नहीं, इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये एक्सेप्टेबल है. मान लो कोई ऐसा वैल्यू आ जाता, x का वैल्यू 5 आ जाता, ये लॉग तो चल जाता बट 5 रखने पर ये लॉग अनडिफाइंड हो जाता, तो वो वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे. ये ध्यान में रखना यहाँ. ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन. लॉग हैविंग बेस 4 एक्स स्क्वायर
इक्वल्स टू लॉग एक्स हैविंग बेस 4। तो ये 2 जैसे ही इधर आया तो ये 2 लॉग 4 मॉड एक्स। अब यहाँ मॉड नहीं है तो ज़बरदस्ती मॉड मत लिख देना, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। तो अब क्या करोगे यहाँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। तो मतलब इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लॉग हैविंग बेस 4 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स हैविंग बेस 4। सो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, और तुम्हें मालूम है इन द केस ऑफ इवन पावर देयर इज नो इम्पैक्ट ऑफ मॉड, ये सभी सेम इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो हो गया। तो एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू वन हो गया। बट एक्स इक्वल्स टू जीरो रिजेक्टेड, रिजेक्टेड क्यों, क्योंकि ये लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफैक्ट ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, लॉग जीरो नॉट डिफाइंड है। कोई ऐसा वैल्यू जो लॉग को अनडिफाइंड कर दे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। यहाँ x का एक्सेप्टेबल वैल्यू x इक्वल्स टू वन, यही एक्सेप्टेबल वैल्यू हुआ। तो यहाँ एक ही वैल्यू आया वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। सिमिलरली फिफ्थ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू द पावर लॉग एक्स हैविंग बेस 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तो एक्स स्क्वायर है, ये और ये सेम है, तो सीधे एक्स उतर आएगा यहाँ। बट अब इस बात का ध्यान रखना, जो ये एक्स तुम तभी लिख पाओगे जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो। तो एक बात तो कन्फर्म हो गया, जब एक्स ग्रेटर देन 0 ही एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा। अब इसे फैक्टराइज करो, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, सो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एंड वन, ये रिजेक्ट हो गया और ये तुम्हारा एक्सेप्टेबल वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 1 होगा, ठीक है। देन कम टू x प्लस 1 टू द पावर log हैविंग बेस 10, दिस इक्वल्स टू 100 x प्लस 1। तो अब जैसे ही तुम इसको इधर शिफ्ट करोगे, मतलब इसको थोड़ी देर के लिए ट्रीट करो a, इसको ट्रीट करो n, इसको ट्रीट करो b, तो n इक्वल्स टू log b हैविंग बेस a लिखाएगा ये। मतलब ये a इधर भेजेंगे तो ऐसा कुछ लिखाएगा, तो ये a है, ये n है, ये b है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगले स्टेप में लिखा log हैविंग बेस 10 x प्लस 1 इक्वल्स टू log having base x plus 1 100 into x plus 1। तो अब देखो यहाँ पर log having base 10 x plus 1, यहाँ log having base x plus 1 100, ये log m into n है, plus log x plus 1 x plus 1, ये और ये तो 1 हो जाएगा। बट अब एक बात और ध्यान में रखना, साइड में हमेशा लिख लिया करो इस लॉग को आपत्ति कहाँ पे होगा, अगर x प्लस 1 लेस देन 0 हो जाए, तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा वो माइनस 1 से पक्का बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एंड बेस में ये है, तो x प्लस 1 शुड नॉट इक्वल्स टू 1, तो x शुड नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 छट गया, x का वैल्यू माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये एक रफली आइडिया मिल गया, अगर जो वैल्यू है, जो वैल्यू आ रहा है वो इसी डोमेन में होना चाहिए, इसी इंटरवल में होना चाहिए, ये तो 1 हो गया।
अब तुम देखो यहाँ, log having base 10 x plus 1 log, इसको इंटरचेंज करो, इसको और इसको इंटरचेंज करने जा रहे हैं हम, ये और ये। तो जैसे ही हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये 1 बाय log, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, बट एक मिनट रुक जाओ, मैं इस 100 को 10 स्क्वायर लिख दूँ यहाँ पे, ये जो 100 है इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया log having base x plus 1 10 स्क्वायर, ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो log having base 10 x plus 1 ये 2 into log 10 x plus 1 plus of 1। अब हम इसको इसको इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, फायदा log having base 10 x plus 1 ये 2 by log having base 10 argument x plus 1 plus of 1। अब थोड़ी देर के लिए इस पूरे को log having base 10 x plus 1 इसको मैंने थोड़ी देर के लिए t assume किया, this is t equals to 2 by t plus 1, तो t equals to 2 plus t upon t, cross multiply कर दो, सो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी प्लस टू, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, सो टी माइनस टू टी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, सो टी इक्वल्स टू टू एंड टी इक्वल्स टू माइनस वन, बट टी मैंने एज्यूम क्या किया था, लॉग हैविंग बेस 10 एक्स प्लस वन एंड log having base 10 x plus 1, अब ये log हटाओ यहाँ, x plus 1 equals to 10 square, x plus 1 equals to 10 raised to the power minus 1, x कितना आया 99, यहाँ पे x कितना आया 1 by 10 minus of 1, ठीक है, ये तो चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुआ, नहीं, ये यहाँ तक परफेक्टली ओके है, 2 बाई टी, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया तुमने, टी का 2 वैल्यू आया। अब देखो कंडीशन यहाँ क्या जनरेट हुआ था, एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 होना चाहिए, ये वैल्यू माइनस 1 से बड़ा है एंड एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये और ये दोनों एक्सेप्टेबल है, ठीक है।